हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। और जो जच्चा के लिए सांदा बनता है जापे में, आज मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलो बनाते हैं और आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, हमने 2 किलो तो आटा लिया है और इसको हम भून लेंगे। अब हमने पैन में घी चढ़ा दिया है और घी को पिघलने देंगे और उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये बादाम, काजू और मखाने हैं, ये रे मखाने। इसको हम फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे रेड होने तक, काजू को, बादाम को, मखाने को। और रोस्ट होने के बाद इसमें हम इन सबको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम मतलब तल लेंगे घी में। ये कनी है, ये कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है, इसको भी हम देसी घी में फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद फिर हम सारे ही ड्राई फ्रूट्स, ये देखो हमने परात में निकाल लिए हैं। अब हम इसे एक वो जो सिलबट्टा होता है उससे इनको सबको कूट लेंगे, ताकि मिक्सी में नहीं पीसेंगे क्योंकि ज़्यादा दरदरे हो जाएंगे। अब हम इसमें हमने छुआरे भी काट के रखे हैं, ये देखो। अब हम इसको मिला लेंगे और मिलाने के बाद सब में छुआरे मिला देंगे। और एक हमने गोला भी कस के रख रखा है, उस गोले को भी हम इसमें मिला देंगे। देखिए अब गोला मिल गया है। अब इसमें हम आटा छानेंगे, जो हमने भून के रखा था उसको आटे को छान लेंगे। देखिए सारा आटा छन चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे करारा। बूरा भी होता है लेकिन बूरा पतला होता है, करारा थोड़ा मोटा होता है ना, तो इससे और थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगता है खाने में। ये देखो, ये हमने अजवाइन डाली है और इसमें हम सौंठ डाल देंगे। 1 पैकेट पूरा हमने सौंठ थी पिसी हुई, वो डाल दी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे पहले। ये देखिए मिक्स कर लिया, इसमें हमने घी डाल दिया और घी हम थोड़ा सा पिघला के तब डालेंगे। देखिए सारा घी हमने इसमें ऐड कर दिया है, घी इसमें लग गया है, कम से कम 3 किलो तो घी लग गया है इसमें। ये देखिए ये सारा हमने मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से हम इसको फिर एक डिब्बे थोड़ा में सा दियो मुझे, तो डाल बस देंगे, दोनों तो थोड़े ये थोड़े वैसे 1 महीने आराम से चल जाएगा। हाथ धोते हैं।